गाइस, हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम खेलने जा रहे हैं एयरलाइन कमांडर, जो कि एक मतलब कि रियल बेस पे है, जो कि एरोप्लेन फ्लाई कैसे करती है उस पे है। तो ये गेम आज हम खेलने जा रहे हैं और इस गेम में मतलब कि चार खतरनाक चीज़ें हैं। और यहाँ पे मेरा कुछ गेस्ट आईडी मैंने अभी क्रिएट की नहीं है आईडी, तो यहाँ पे बहुत सारे मोड और कुछ इसके कॉम्पिटिशन के कुछ हैं। तो यहाँ पर हम चलते हैं, फ्लाई नाव पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हम फ्लाई करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा मतलब टाइम लग सकता है सीखने में, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा वीडियो को फॉरवर्ड करता हूँ। इसमें मेरे को नेट का रिक्वायरमेंट रहेगा, तो इस वजह से इसमें ऐड का प्रॉब्लम आ रहा है। तो यहाँ पे मुझे सेलेक्ट करना है कि क्या है इसमें, मतलब कि हार्ड या फिर इसमें ईजी। तो मैंने हार्ड पर क्लिक किया है। यहाँ पर हम डायरेक्ट फ्लाई पर मेरे पे आ चुका है कि मैं फ्लाई कर रहा हूँ, तो मुझे इसको लैंड कराना है, जो कि रनवे दिख चुका है मुझे। तो यहाँ पे मुझे बता रहा है कि अपने कुछ इसमें स्पीड कम करने के बोल रहा है। तो यहाँ पे गियर मैंने डाउन पे क्लिक कर दिया है, डाउन पे कर दिया है, और जो अपना ये मैक्स स्पीड थोड़ा इसको डाउन करना है। अभी इस समय हमारी स्पीड है 200, जबकि हमें 70+ बस स्पीड चाहिए थी शायद, समझ में नहीं आ रहा है अभी तो, पर टाइम लग रहा है थोड़ा सा। हम पहले थोड़ा सा एकदम स्पीड में थोड़ा करते हैं यहाँ पे थोड़ा मैं, अरे भाई तो हाँ यहाँ पे, अरे लेकिन शिट यार, तो यहाँ पे थोड़ा समझने में टाइम लग रहा है इसमें क्या करना क्या है। ओ भाई शिट है, तो यहाँ पे क्रैश हो चुका है। तो फिर से आते हैं, तो इस बार प्रोफेशनलिज्म से आएंगे। इस बार भी हम लोगों ने फिर से अगेन ट्राई करने जा रहे हैं, तो इस बार हमारा नाइट में है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रनवे, तो यहाँ पे मेरे को बहुत चीज़ें समझ में आ चुकी हैं, जो कि आपको दिख रहा होगा एक गियर है जो डाउन अप के लिए है। और इससे क्या होता है, जब हम लोग डाउन करेंगे तो हमारी स्पीड धीरे धीरे कम होने लगती है, और जो ये रिसेट है इससे और उसको नीचे करने पर इससे हमारी स्पीड और भी तेज़ी से कम होने लगती है, या फिर तेज होने लगती है जब ये अप है या फिर डाउन। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा गियर खींच रहा हूँ नीचे, गियर मतलब कि अपनी स्पीड कंट्रोल क्या है इसको बोलते हैं पता नहीं, तो इसको मैंने थोड़ा नीचे कर लिया है। तो यहाँ पर डाउन पर मैंने कर दिया, थोड़ा सा और स्पीड कम कर दिया है मैंने, यहाँ पे 160 के अराउंड चली अपनी। तो यहाँ पे वो भी नहीं वाले हैं 100, तो थोड़ा और मेरे को देख लो, यहाँ पे मैंने थोड़ा ब्रेक खींच लिया लेकिन तभी ऐसा फेल हो गए। तो शायद मुझे लगता है कि हम स्पीड को कंट्रोल नहीं कर पाए, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे जब रनवे के पास से तभी हमें 100 करना रहेगा लगता है। तो यहाँ पर फिर से ट्राई करेंगे, इस बार बहुत खतरनाक तरीके से चलेंगे। तो यहाँ पर हम आ गए हैं, और यहाँ पर हमारा टारगेट है कि मतलब कि जो यहाँ पे 1000 है उसको मतलब कि उसको टच करना है या फिर उससे कम लाना है, जो कि हम लोग की स्पीड ज़्यादा है और ज़्यादा स्पीड पे हमें, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा नीचे जाना है। तो सबसे पहले थोड़ा सा ऊपर चलते हैं ताकि देख पाए भाई नज़ारा, और अब क्या ही व्यू आ रहा है भाई, देखो क्या ही व्यू है। मैं तो भाई तो यहाँ पर कुछ मिस्टेक आ रहा है, तो यहाँ पर बता रहा है कि भाई जो पैसेंजर है उन्हें दिक्कत हो रही है, और यहाँ पर मेनटेन करने बोल रहा है कि हमें इसको मेनटेन करना है और पाथ को अपने देखना है। और यहाँ पर डैम भाई पूरे पैसेंजर का लफड़ा हो गया है, पूरे पैसेंजर वही पूरे टेढ़े मेढ़े हो गए रहेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा फिर से आराम से चलते हैं। ओ भाई देख लो मैं क्या कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं अपना स्क्रीन को रोटेट कर रहा हूँ, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे मेरे को टारगेट देख रहा हूँ, यहाँ पे मुझे उस साइड जाना है शायद, हाँ। तो अभी मैंने डाउन कर दिया, और यहाँ पर मेरा स्पीड मैंने फिर डाउन पर भी मैंने अप कर लिया स्पीड, और यहाँ पर मैंने 13 यहाँ पर स्पीड मैंने अप कर लिया है, लेकिन तभी मैंने डाउन तो किया था लेकिन तभी पता नहीं क्यों नहीं हुआ। तो यहाँ पे थोड़ा आराम से करते हैं, तो हाँ तो हो चुका है हमारा ये मिशन कंप्लीट। तो यहाँ पे फाइनली ये मिशन हो गया है, तो अभी नेक्स्ट मिशन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हम आ गए हैं, और यहाँ पे हमें बता रहा है कि इसे अप करना है, और इसे जो डाउन है इसे बाद में अप करना रहेगा या फिर कुछ अलग ही बता रहा है। तो यहाँ पर 900 फीट हमारा टारगेट मेन, यहाँ पर मुझे बस वो 900 किलोमीटर मतलब कि 900 फीट जाना है ऊपर। तो यहाँ पर थोड़ा सा आराम से करते हैं, तो यहाँ पर हम, ओ भाई शिट, मैंने जल्दी लैंडिंग मतलब कि मेरा गलती से ऊपर चला गया मोबाइल थोड़ा, तो इस वजह से ऐसा लफड़ा हो गया पता नहीं क्या। और यहाँ पे हम आ गए हैं, और ये कुछ टूर्नामेंट है जिसमें पार्टिसिपेट कर लिया मैंने। तो यहाँ पे बस क्या बोला है कि इसमें स्पीड मेंटेन करके रखना है थोड़ा, तो यहाँ पे देख रहे हो स्पीड मेंटेन करना, और यहाँ पर लैंडिंग कराना है शायद। तो यहाँ पर मैंने स्पीड डाउन कर दिया है, और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा अपना स्पीड को थोड़ा और कम करने लग रहा हूँ ताकि अपनी स्पीड मेंटेन रहेगी, तो यहाँ पे हम आराम से लैंडिंग कर लेंगे, जो कि रनवे हमारे सामने ही रेड कलर का पूरा दिख रहा है। तो यहाँ पे स्पीड मेरी 150 का अराउंड चल रही है, और यहाँ पे मैं 330 के अराउंड फीट चल रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पीड थोड़ा मेंटेन रखना पड़ेगा, वरना फिर कहीं लैंडिंग नहीं होगी और यहाँ पर कहीं गिर जाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा और स्पीड कम कर रहा हूँ मैं,
तो यहाँ आपको पुल वाला जो आपको दिख रहा है उसको जैसे मैं जितना ज़्यादा नीचे खींचूँगा उतनी स्पीड कम होती जाएगी। तो इसको भी मैं जो साइड वाला इसको भी मैं खींचते जा रहा हूँ, लेकिन तभी भी स्पीड कम नहीं हुआ और यहाँ पर क्रैश हो गया। अरे बाबा, तो कितना मगजमारी मालूम, रियल गेम बोल के भी इसमें एकदम। यहाँ पे मैं फिर से आ गया हूँ और इस बार लैंडिंग होती या फिर नहीं ये देखने की बात है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा आराम दे के आगे फिर से पहुँच चुका हूँ और यहाँ पे फाइनली हो ही गया है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं खींचते जा रहा हूँ स्पीड, लेकिन स्पीड कम होने का नाम नहीं ले रही। अभी फटाफट से वो दिख रहे, दोनों को मैंने खींच के रखा है, अपना ब्रेक मतलब गियर भी और ये भी, तब मेरी स्पीड थोड़ी थोड़ी मेंटेन होती जा रही है और यहाँ पे फाइनली अपना मिशन हो चुका है। तो चलते हैं फिर अगला मिशन की तरफ, जो कि यहाँ पे दिखा रहा है हमारा एक्टिविटी कंप्लीटेड। तो यहाँ पे जिसे तीन बार मैं प्ले कर दूँगा मुझे एक लाइसेंस मिल जाएगा। उसके बाद में इस गेम में लाइसेंस मतलब ये एक पायलट का लाइसेंस यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पे जिसे गेम क्लोज होगा यहाँ पे ये पायलट का मतलब है। तो यहाँ पे स्टार्ट टास्क भी यहाँ पे देख रहा हूँ मुझे फ्री में मिल रहा है। यहाँ पे बारिश हो रही है और यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने इंजन स्टार्ट कर दिया और यहाँ पे हमारी यहाँ पे मैं 1000 फीट ऊपर जाना है। देख पा रहा हूँ क्या ही बारिश हो रही है और फिर इसका टायर और स्पीड बढ़ते ही जा रही है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पीड थोड़ा मेंटेन करके फिर से उड़ूँगा, इस बार क्रैश नहीं करना है क्योंकि थोड़ा सा आइडिया हो गया है। और यहाँ फाइनली ऑटोमेटिक थोड़ा सा मोबाइल ऊपर किया और आराम से ऊपर हम लोग हमारा फाइनली मतलब क्या बोलते हैं उसको पता नहीं, मतलब लैंड तो नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ऊपर जा रहे हैं सो क्या बोलेंगे पता नहीं। तो यहाँ पे हमारा प्लेन स्टार्ट हो गया और यहाँ पे हम ऊपर ही जा रहे हैं, लेकिन अभी ऊपर हाँ तो यहाँ पे अप करना है। तो यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे कुछ ये आइडियाज़ मिल रहे हैं जो कि यहाँ पे बताए जा रहे हैं कुछ रेडियो स्टेशन। तो यहाँ पे हमारा टारगेट है 3 माइल्स हेडिंग 254, पता नहीं ये क्या है। तो यहाँ पे थोड़ा आराम से दें तो 1000 फीट ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पे हमारी स्पीड भी कुछ 200 प्लस चल रही है। तो यहाँ पे देख लो क्या ही यहाँ पे रो दिखा रहा है कि इस तरीके से जाना है। तो यहाँ पे हम चलते जा रहे हैं भाई, आगे भगाते जा रहे हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऊपर और चलता हूँ थोड़ा सा, वरना थोड़ा नीचे कर चलते हैं कि 1000 पे मेंटेन करना है तो उसकी ज़रूरत नहीं हमें कि ज़्यादा ऊपर जाने की। एक बार ट्राई कर सकते हैं हम कि ऊपर क्या है, बादल की इधर वहाँ ऊपर जाने की ट्राई कर सकते हैं, लेकिन रिस्क क्यों लेने का। तो यहाँ पे पहले इसको कंप्लीट कर दें फिर आप कभी देखेंगे मिशन। तो यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट, तो अभी चलते हैं नेक्स्ट मिशन की तरफ। यहाँ पे बहुत सारे मिशन दिख रहे होंगे, मिशन है और यहाँ पे मेरे को पायलट का जो लाइसेंस है इसके लिए मुझे कुछ यहाँ पे प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे तो ये प्रैक्टिस पूरे होने के बाद ही मुझे लाइसेंस का देंगे चलाने के लिए। अगर प्रैक्टिस पे क्लिक करना है तो यहाँ पे मैं प्रैक्टिस पे क्लिक करता हूँ। अब इसका जो आगे अभी लाइसेंस उसके लिए जो कुछ पे करना है मांग रहा है, जो कि अपने पास उतने पेमेंट नहीं है देने के लिए, तो हम लोग आगे कुछ नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारे गेम खेल लेंगे उसमें मतलब कि उस मिशन कंप्लीट करना पड़ेगा तभी हमारे पास बहुत सारे कॉइन आएंगे फिर कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक प्रैक्टिस है ये करके, तो इस पर मैंने क्लिक कर दिया है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहा हूँ ये मतलब कि ये रियल एरोप्लेन की तरह ही है। तो यहाँ पे ये स्टार्ट हो गया है और यहाँ पे कुछ एक क्या है पता नहीं इसको क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारी प्लेन लग चुके हैं अपने रनवे की तरफ। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ध्यान देना है। तो यहाँ से सबसे पहले यहाँ पे मुझे रोड मेंटेन करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग इंजन पहले ऑन करते हैं, यहाँ पे इन दोनों इंजन ऑन कर दिया। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग अपने इंजन ऑन कर दिया। अभी चलते हैं गियर जहाँ पे उस साइड। तो यहाँ पे मुझे देखो गाइडेंस दे रहे हैं, तो यहाँ पे आ चुका हूँ। यहाँ पे इसको पुल करना है ऊपर और थोड़ा सा अपना मोबाइल को थोड़ा रोटेट करना है। और यहाँ पे हम लाइन की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पे बोल रहा है कि भाई अपनी स्पीड कम कर लो क्योंकि आगे जो एरोप्लेन है कोई दूसरी आने वाली है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मेंटेन कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत स्पीड कम कर दिया हूँ। तो यहीं पे रोकना भी मुझे लग रहा है तो इसलिए मैं रोक लेता हूँ। तो थोड़ा रोक लेते हैं। तो यहाँ पे भाई यहाँ पे देख लो ये कुछ चेकिंग कर रहा है अंदर। यहाँ पे बोल रहा है ब्रेक को फुल करना है, तो अभी मैं पुश करना है। तो यहाँ पे मैंने पुश कर दिया है और अपना गियर दे दिया है और आगे की तरफ जा रही है भाई। देख लो आगे देख, यहाँ से मैं इसके पहले ट्राई कर चुका हूँ, जैसे ये आगे जाती है इससे एक और आती है इसे टकरा जाती है ऐसे हमारा मिशन फेल हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ा सी बार मेंटेन करके रखूँगा। तो आगे देख पा रहा हूँ यहाँ पे मुझे रुकना है क्योंकि ये जाने वाली है। देख लो इसी दिशा में बताया था वैसे हो रहा है, अगर मैं थोड़ा स्पीड में था तो ये उड़ा देते तुरंत ही पागल ही जिसे चला रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मेंटेन करते हैं हम, वरना फिर हम कहीं ज़्यादा स्पीड में रही। तो यहाँ पे थोड़ा स्पीड में ज़्यादा ही दे दिया है, थोड़ा सा इसको कंट्रोल करना पड़ेगा पहले थोड़ा सा। हाँ तो यहाँ पे कंट्रोल करना
वरना कहीं इस लाइन को क्रॉस कर दिया तो भाई इसका लाइसेंस जो प्रैक्टिस है कम्प्लीट नहीं होगा, फिर से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फिर हम लोग मिशन फेल हो जाएगा वरना। तो यहाँ पे थोड़ा आराम से चलते हैं। देख रहे हो पूरा मुझे यहाँ पे एकदम पूरा रोटेट करके ले जा रहा है रनवे की तरफ। तो यहाँ पे थोड़ा आराम से चलते हैं, फिर डायरेक्ट रनवे पे घूमते हैं। यहाँ पे भाई चाँद दिख रहा है, देख रहे हो पूरा चाँद दिख रहा है, और यहाँ पे मैं रनवे की तरफ पहुँच चुका हूँ। तो यहाँ से मुझे स्टॉप नहीं करना, थोड़ा स्टॉप करना है शायद, क्योंकि यहाँ पे लगता है दूसरी प्लेन जाने वाली है या फिर हमें जाना है, पता नहीं। थोड़ा सा मेंटेन करते हैं स्पीड, थोड़ा सा कम करते हैं, आराम से चलेंगे। पहले थोड़ा सा रनवे की तरफ चलते हैं वरना फिर पता चलेगा कि टकरा जाएगी दोनों। तो यहाँ पे देख रहे हो चाँद पूरा दिख रहा है, यहाँ पे आस पास पूरी बिल्डिंग है भाई, सारे बिल्डिंग वाले घुस जाएंगे। तो यहाँ पे रनवे में आ ही गए, तो यहाँ से हमें आ चुके हैं रनवे की तरफ। तो यहाँ पे भाई ऑल डन, तो हमारा प्रोसीजर कंप्लीट हुआ है और यहाँ पे ये मिशन भी कंप्लीट। ओके, तो हम आ चुके हैं एक मिशन की तरफ, तो जो कि है यहाँ पे मैं 300 फीट ऊपर जाना है। तो यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट आ चुका हूँ, तो यहाँ पे आराम से भाई ऊपर की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा मेंटेन करना, देख रहे हो आपको रेड दिख रहा होगा, तो इस रेड से रेड नहीं होने देना है, इसे ग्रीन नहीं रखना है, इसलिए हम लोग को थोड़ा मेंटेन करना पड़ेगा स्पीड, वरना हमारा मिशन फेल हो जाएगा। तो थोड़ा आराम से चलते हैं, अभी 2000 फीट हो गया। तो यहाँ पे मुझे स्पीड अपना थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा और नीचे चलना पड़ेगा, तो इसे रेड होने देना नहीं है हमें, यही हमारा मिशन है इसमें। तो यहाँ पे आराम से चलते हैं। तो यहाँ पे फाइनली 1000 के फिर से क्लोज जाने को रहा है, तो शायद मुझे लगता है यहाँ पे भी हमें लैंड करना पड़ेगा, तो इसी वजह से हमारा स्पीड कम करा रहा है, लेकिन हम स्पीड नहीं कम करेंगे इस बार, हम लोग इसे चलेंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा और नीचे चलता हूँ, क्योंकि भाई अगर हम लोग अगर स्पीड कम करते हैं तो डायरेक्ट ये नीचे कर देगा, नीचे गिरा देगा स्पीड जो दिखा है। तो यहाँ पे थोड़ा मेंटेन कर रहा हूँ, अभी मैं स्पीड कम कर सकता हूँ, लेकिन थोड़ा और पास जाने के बाद ही करेंगे, वरना डायरेक्ट भाई यहाँ पे कुछ और ही हो जाता है। यहाँ पर थोड़ा ऊपर से चलते हैं, तो थोड़ा ऊपर भाई थोड़ा ऊपर चल। हाँ, तो हमारा एंडिंग आ चुका है, यहाँ पर हमें लैंड करना है। यहाँ पर मैं डाउन कर दिया हूँ, तो यहाँ पर देख रहे हो सर फेल्ड होगा। वैसे हमें इस मिशन को स्किप करके फिर नेक्स्ट मिशन पर चलते हैं, जो कि बहुत ख़तरनाक मिशन है। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ एक नए मिशन के साथ, जो कि बहुत ख़तरनाक है। तो यहाँ पे मुझे बस थोड़ा सा इसको स्पीड देना है, और ये स्पीड्स के हिसाब से भाई यहाँ पे 900 मीटर फीट पे जाना है ऊपर। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पीड तेज़ करता हूँ, तो यहाँ पे मैंने नॉर्मली स्पीड बढ़ाई है, तो यहाँ पे थोड़ा स्पीड और मैंने बढ़ा दिया है। तो यहाँ पे स्पीड देख रहे हो तो ही क्या ख़तरनाक तरीके से भाई, अभी देख रहे हो स्पीड, देखना अभी कितनी स्पीड में जाएगी। तो यहाँ पे मैंने स्पीड थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैंने स्पीड बढ़ा दिया है, अभी ये 100 के क्रॉस करने वाला है। और ये देखो भाई 100 हो चुका है, और यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फिर गया अपना है। तो और यहाँ पे देखो हम लोग फाइनली भाई ऊपर तरफ आ रहे हैं, और ये देखो क्या ही ख़तरनाक तरीके चल रहा है। और यहाँ पे मैं 300 प्लस कर चुका हूँ अपनी मतलब ये स्पीड, तो यहाँ पे 900 है, तो आराम से चल जाएंगे। तो यहाँ मैंने आप भी कर दिया अभी, जिससे और स्पीड मतलब ये ऊपर जब जाएगा और डाउन, और आपका में क्या रिलेशन होता है, जब डाउन करते हैं तो ये स्पीड को कंट्रोल में चलाता है, और जब ये हमेशा नीचे की तरफ जाने की कोशिश करता है, और उसके साइड वाला जो होते हैं पंख जो कि बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, वो डाउन की तरफ होते हैं, जिस वजह से स्पीड इसकी मेंटेन होती है। वो हमारे GTFI के भाई कुछ एपिसोड आने वाले हैं जल्दी, जो कि भाई नेक्स्ट लेवल के, तो जल्दी आप देखना, जो कि अपकमिंग डेज में आने वाले हैं। और मेरे वीडियोस थोड़ा लेट हो रहे हैं, क्योंकि इसको प्रिपेयर करने में थोड़ा लॉजिक लग रहा है। तो यहाँ पे मैं फाइनली अपना मतलब बहुत ऊपर आ गया हूँ, तो यहाँ पर थोड़ा नीचे की तरफ चलते हैं और इस मिशन को कम्प्लीट करते हैं, और इसी के साथ इस वीडियो को भी एंड करते हैं, क्योंकि हम जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये देख पा रहे होगे भाई, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं डाउन की तरफ चलता हूँ भाई, थोड़ा नीचे की तरफ। तो यहाँ पे थोड़ा मेंटेन करना है स्पीड, डाउन फॉल, और यहाँ पे डाउन आ चुका है। तो यहाँ पे हम नीचे आ गए हैं, और अभी कितना नीचे जाना है पता नहीं। तो यहाँ पे मुझे लगता है नीचे जाते जाते फिर से ऊपर जाना है, तो यहाँ पर थोड़ा सा बहुत नीचे चलते हैं, 900 बोला है, तो और नीचे चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर नीचे भाई देख रहे हो क्या ही ग्राफिक, इस गेम का भी गेम भी अच्छा है, जो कि आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर दो, चेक कर सकते हो, जो कि आप जब स्क्रॉल करो तो वहाँ पे दिखाता है कि भाई किस गेम का है ये, तो आप चेक कर लेना, मेरे को नाम याद नहीं है। और यहाँ पे आपको दिखा भी होगा होम स्क्रीन पे। तो हम फाइनली इस मिशन को कम्प्लीट कर चुके हैं, और यहाँ पे मुझे कुछ कॉइन मिल चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।